सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, और जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ दिल्ली के सुल्तान को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी पाठ को तो समझ रहे हैं ना, और इसमें हमने बहुत कुछ जाना भी है। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने अलाउद्दीन खिलजी इन सब मुग़ल सुल्तानों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि जो है बाहरी सीमा क्या होती थी और भीतरी सीमा क्या होती थी, किस तरीके से ये लोग अपने शहरों को आगे बढ़ाते थे। तो आज भी हम इसी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ मस्जिदों के चित्र बने हुए हैं। ये कौन कौन सी मस्जिद हैं, जैसे सबसे पहली है कुव्वत उल इस्लाम यानी जामा मस्जिद। फिर जो दूसरी मस्जिद का चित्र है वो है बेगमपुरी मस्जिद। तीसरी चित्र का नाम मोठ मस्जिद है, जिसे हम मस्जिद मोठ के नाम से भी जानते हैं, और आपको पता है ये कहाँ पर है, ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर है कि जमाली कमाली मस्जिद, ये भी दिल्ली में ही स्थित है। तो देखिए ये चारों की चारों अलग अलग तरीके की मस्जिद हैं जो कि दिल्ली के इलाकों में बनाई गई। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल व उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन चारों मस्जिदों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो यानी जो शुरुआती सुल्तान थे ना इल्तुतमिश, वो ये नहीं चाहते थे कि सामंत और जमींदार जो है उनके इलाकों को संभालें, बल्कि वो चाहते थे जो उनके विशेष गुलाम थे, जिन्हें जो है सूबेदार भी कहते थे, उनको नियुक्त करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंदगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, यानी सैनिकों की सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। तो आपने समझा कि किस तरीके से जो खलजी और जो दूसरे तुगलक वंश के शासक थे वो इन बंदगाओं को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, और इन लोगों को वो जो पद देते थे, जो पोस्ट देते थे, वो होती थी सेनापति या सूबेदार जैसी, वो पोस्ट उन्हें दिया करते थे। ये गुलाम और आश्रित अपने वफादार मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गुलाम और आश्रित लोग थे, ये अपने मालिकों और जो संरक्षक होते थे उनके प्रति वफादार भी होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी, यानी मान लीजिए कि अगर वो किसी सुल्तान के प्रति वफादार थे, तो ये जो उनका आगे जो पुत्र सुल्तान बनता था, तो वो उसके प्रति उत्तरदायी होने का उनका कोई भी ये दायित्व नहीं था। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट भी शुरू हो जाती थी। तो ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि जब भी नए सुल्तान बनते थे उनके अपने कुछ खास नौकर होते थे। तो इस तरह से जो पुराने नौकर होते थे या जो नए गुलाम होते थे, उन दोनों के बीच में आपस में ठन जाना शुरू हो जाता था, यानी थोड़ा सा कड़वाहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न
आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कुछ नए शब्द आ रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए कि जैसे सुल्तानों की तरह आगे जो खलजी हुए अलाउद्दीन खलजी और जो तुगलक शासक थे, उन्होंने भी अपने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया ताकि वो उन इलाकों की देखभाल कर सकें। ये इलाके जिनके लिए सेना नायकों को सूबेदार बनाया जाता था उन्हें हम इक्ता कहते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। अब ये मुक्ति कौन होते थे, इनका क्या फ़र्ज़, इनके क्या दायित्व होते थे, तो वो हम समझते हैं। मुक्ति का फ़र्ज़ था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, यानी जो भी कोई सेना अभ्यास होगा या सेना लड़ाई के लिए जाएगी तो ये मुक्ति का फ़र्ज़ होता था कि वो उनके अभियानों का नेतृत्व बने, उनका वो नेता बने और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने इक्तों का मतलब यानी जो उसके नियंत्रण में क्षेत्र आता था उसे इक्ता कहते थे ना, तो वहाँ पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी इस मुक्ति का था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। ये जो सैनिक होते थे ना, ये वेतन के रूप में जो मुक्ति होते थे वो अपने इलाकों से राजस्व की वसूली मतलब टैक्स वसूलते थे, जिस जो वेतन के बदले उनको वो मिल जाता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे, यहाँ तक कि जो टैक्स इकट्ठा होता था उससे वो अपने सैनिकों को वो तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिल जाए जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। तो अब आपने समझा कि किस तरीके से ये जो मुक्ति लोग होते थे इन पे काबू भी रखा जाता था और इसका प्रभावी तरीका सुल्तानों ने यही सोच रखा था कि ये जो पद है वो परंपरा वंश परंपरा से ना चले, बल्कि कोई भी इक्ता जिसको भी नियुक्त किया जाएगा वो क्या होगा कि थोड़े समय के बाद वो उसको जो है किसी को भी वो मिले और बाद में उसका स्थानांतर मतलब एक जगह पर वो किसी को टिक कर रहने नहीं देते थे। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में क्या हुआ कि इससे पहले क्या होते थे, जो सामंत होते थे वो जो है वसूली करते थे लोगों से, तो लेकिन जब अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल आया तो उसने ये सारा का सारा नियंत्रण उनके हाथ से लेकर राज्य के हाथ में दे दिया, यानी राजा के हाथ में दे दिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय तीन तरह के कर लिए जाते थे, जैसे कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो देखिए किस तरीके से किसानों से कर लिया जाता था। दूसरा कर था मवेशियों पर कर और तीसरा था घरों पर कर। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जो ये राजस्व की विधि थी, राजस्व की व्यवस्था थी, वो इस प्रकार चल रही थी। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो इसका उत्तर मेरा एक सुझाव है, बाकी आप अपना उत्तर स्वयं भी लिख सकते हैं। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था। इस रकम को फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फवाजिल। और उसके काम क्या क्या थे? उसके काम थे लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना और शांति स्थापित करना।
तो अगर मैं भी सल्तनत काल में इक्तदार होता तो मैं भी यही कार्य करता। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर होते थे। फसलों पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था, जो कि किसान की उपज का लगभग 50% था। दूसरा कर मवेशियों पर था और तीसरा था सदनों यानी घरों पर। तो इसमें हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से उसने जो सूबेदारों सामंतों से जो कर वसूलने का अधिकार छीन के उसको राज्य के नियंत्रण में कर दिया था। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क ज़रूर पहन के रखिए। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।